Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain the poem of chapter 1st of class 8th NCERT Honeydew. Let us start here. We will start from here. The Ant and the Cricket. A fable is a story often with animals and characters. एक fable एक story होती है जिसमें कि animals को characters के रूप में दर्शाया जाता है. That conveys a moral. और इससे हमें कुछ सीख मिलती है. The poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. जो poem है एक ant और एक cricket के बारे में, ये एक far-reaching significance का idea देती है. Means आने वाले समय में वर्तमान के क्या परिणाम होते हैं उसका एक idea देती है. Which is as true as four-legged cricket as of a two-legged one. ये उतना ही फोर लेग क्रिकेट के लिए भी सत्य है जितना टू लेग क्रिकेट के लिए. मींस दो टांगों वाले क्रिकेट के लिए भी उतना सत्य है और फोर टांगों वाले क्रिकेट के लिए भी उतना ही सत्य है. श्योरली यू विल हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. निश्चित ही आप सभी ने देखा होगा वो वाला क्रिकेट जिसके कि दो टांगे होती हैं. ठीक है. अ सिली यंग क्रिकेट एकस्टम्ड टू सिंग. एक सिली यंग क्रिकेट है जो कि जो है गाने का आदि है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. वो गर्मियों में भी जब सूर्य निकलता रहता है तब भी और जो स्प्रिंग का मौसम होता है तब भी गाता रहता है. बिगेन टू कंप्लेन विद ही व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम. और वो शिकायत कब करने लगा जब उसने देखा कि उसके घर में जो उसका कपबोर्ड है अलमारी है वो खाली हो चुकी थी और जो सर्दियाँ हैं वो आ चुकी थी. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. एक टुकड़ा भी नहीं बचा था रोटी का. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. और जो पूरा ग्राउंड था वो पूरी तरह से बर्फ से जो है ढक चुका था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. और बाहर वो कोई भी फ्लावर नहीं देख सकता था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और पेड़ों पर कोई भी पत्तियाँ नहीं दिखाई दे रही थी. ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब ये जो क्रिकेट है ये कहता है कि ओह अब मेरा क्या होगा. At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. और अंत में भूख के कारण वो जो है भूख के कारण और सर्दी के कारण अकड़ सा गया था. ठीक है. और पूरी तरह से कांप रहा था सर्दी से. ठीक. अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट. और उसने जो है चींटी के पास जाने की सोची. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. तो उसने सोचा कि शायद उससे मिलने पर वो जीवित रह सके. मीन्स वो चीटियों से हेल्प चाहता था. हिम शेल्टर फ्रॉम रैन. और उसने कहा कि जो है वो उसे शायद रहने के लिए जगह दे दें. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन. और कुछ खाने के लिए दे दें. ही विश्ड ओनली टू बोरो. वो केवल उधार लेने की इच्छा रखता था. ठीक है. मीन्स वो केवल उधार लेना चाहता था. ही वुड रिपे इट टुमारो. वो आने वाले समय में इसे वापस कर देगा. ऐसा कौन कह रहा है? क्रिकेट कह रहा है चीटियों से कि आप मुझे जो है रहने की जगह दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो और मैं जो है इसे आने वाले समय में वापस कर दूंगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो. और अगर ये सब नहीं हो पाता है तो निश्चित ही वो भूख के कारण और दुख के कारण मर जाएगा. सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. अब चीटियाँ जो है वो क्रिकेट से कही हैं हम तुम्हारी दोस्त भी हैं और सर्वेंट भी हैं, नौकर भी हैं. बट वी आंट्स नेवर बोरो. लेकिन हम कभी उधार नहीं लेते किसी से. वी आंट्स नेवर लेंड. और ना ही हम किसी को उधार देते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट. लेकिन क्रिकेट मीन्स प्री क्रिकेट या यू कैन से आंट्स ने उस क्रिकेट से पूछा. Did you lay nothing by when the weather was warm? क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जब वेदर जो है वार्म था? ठीक है. Quoth the cricket not. अब उस क्रिकेट ने तुरंत ही कह दिया नहीं. Not I. मैंने नहीं किया. My heart was so light that I sang day and night. मेरा हृदय इतना प्रसन्न रहता था कि मैं दिन रात गाना गाता था. For all nature looked gay,
यू सैंग सर यू से। अब चीटियाँ इनसे कह रही हैं कि सर आप ही हो जो कह रहे हो कि आप गाते रहते थे वो दिन, तो आप अभी जा सकते हो। सेज द आंट, जो है चीटियों ने कहा कि आप अभी जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और जो सर्दी है वहाँ पे आप नाचो। यू कैन से जो सर्दियाँ पड़ रही हैं वहाँ पे आप जाओ बाहर और अभी आप डांस कर सकते हो, ठीक है। दस एंडिंग द एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विग्ड, और इस तरह से अपने वार्तालाप को या अपनी बातों को समाप्त करते हुए चीटियों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्नड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसे उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया या अपने घर से बाहर कर दिया उसे। फ्लॉक्स कॉल दिस अ फेबल, अब लोग इसे क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं। आई विल वॉरेंट इट ट्रू, और मैं भी इसे सत्य ही मानूंगा, ठीक है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, कुछ क्रिकेट्स के फोर लेग्स होते हैं। एंड सम हैव टू, और कुछ क्रिकेट्स के दो लेग्स होते हैं। अडॉप्टेड फ्रॉम एसप्स फेबल्स, अब ये जो है एसप्स फेबल्स से ली गई पोएम है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति वर्तमान में अपना काम सही तरीके से कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसे फ्यूचर में मिलना है। सेम यही चीज़ इसके अपोजिट है, अगर आप वर्तमान में अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो यही इस कहानी में बताने की कोशिश की गई है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द पोएम ऑफ क्लास 8 हनीडू एनसीईआरटी, एंड दिस वॉज द पोएम ऑफ चैप्टर 1। सो आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।